यस, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ करतार चौधरी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। टुडे आई स्टार्ट ई लेक्चर ऑन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ब्लॉक डायग्राम। ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसकी आइडियल एंड प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं। तो मेन जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। यानी ऑप एम्प चार स्टेज से बना होता है, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड आउटपुट स्टेज। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नॉर्मली दो इनपुट दिए होते हैं, ड्यूअल इनपुट, और इसको आप कह सकते हो डबल एंडेड इनपुट, और आउटपुट सिंगल एंड से लिया जाता है। तो ड्यूअल एंडेड इनपुट एंड सिंगल एंडेड आउटपुट, दैट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और बिकॉज इट इज़ वर्सेटाइल एंड मोस्टली यूज इन एनालॉग सर्किट्स फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पज, फॉर नॉइज रिमूविंग पर्पज, सो ब्लॉक डायग्राम की स्टडी करते हैं और फिर इसका वर्किंग भी देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम में जो फर्स्ट इनपुट स्टेज होता है, उसमें ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। नॉर्मली जनरली मोस्टली ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। और ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो मोस्ट ऑफ द गेन होता है ओपम का, वो प्रोवाइड करता है। साथ में इसका इनपुट रेजिस्टेंस आर आई जो होता है वो सेट करता है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेज होती है, ये गेन बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। दो स्टेज कैस्केडेड फॉर्म में लगी होगी, तो ओवरऑल गेन G1 इंटू G2 होता है। सेम लॉजिक यहाँ पे, इंटरमीडिएट स्टेज में ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा होता है, और इसका मेन पर्पज गेन को बढ़ाना होता है। ओपम का गेन, जैसा कि ओपन लूप गेन आइडियल इन्फाइनेट होता है, तो ये दोनों स्टेज मिलकर हाइएस्ट गेन प्रोवाइड करती है ओपम का। एंड नेक्स्ट वन स्टेज इज लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्टिंग स्टेज को लेवल ट्रांसलेटर भी कहते हैं, बिकॉज देखिए डायरेक्ट कपलिंग हो रही है, यहाँ कोई कैपेसिटर्स काम में नहीं लिए जा रहे हैं, और अगर कैपेसिटर्स काम में नहीं लिए जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि डीसी सिग्नल भी साथ के साथ एम्पलीफाई हो रहा है। यानी वीसीसी और माइनस वी जो लगा है बायसिंग वोल्टेज, तो डीसी सिग्नल भी साथ ही साथ एम्पलीफाई हो जा रहा है। और जब डीसी सिग्नल भी एम्पलीफाई हो रहा है, तो उसका जो ओवरऑल सिग्नल का जो इंटरमीडिएट का आउटपुट है, उसका डीसी जो लेवल है वो हाई हो जाएगा अबाउ द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डीसी सिग्नल का जो रेफरेंस लेवल पे वापस ट्रांसलेट करने के लिए, डीसी सिग्नल को वापस जीरो रेफरेंस लेवल बनाने के लिए इस स्टेज का लेवल शिफ्टिंग सर्किट जो है उसका यूज किया जाता है। और इसमें नॉर्मली एमिटर फॉलोअर सर्किट विद कांस्टेंट करंट सोर्स इसका यूज किया जाता है, कॉमन कलेक्टर का यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड स्टेज, जिसमें आउटपुट इसका एमिटर से लिया, यानी कलेक्टर इसकी कॉमन हुई। बेस पे सेकेंड स्टेज का आउटपुट इसके बेस पे अप्लाई हो रहा है, और इसका आउटपुट एमिटर से लिया जा रहा है, एरो वाले पॉइंट से लिया जा रहा है। तो अगर ये आउटपुट हुआ, ये इनपुट हुआ, तो कॉमन कौन सा हुआ, कलेक्टर हुआ। जो थर्ड स्टेज हुई कॉमन कलेक्टर, जिसको एमिटर फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं। और ये जो डीसी सिग्नल, जो सिग्नल का जो डीसी लेवल है उसको ट्रांसलेट कर देगी वापस जीरो के रेस्पेक्ट में। यानी इस स्टेज का आउटपुट होगा उसमें डीसी वैल्यूज उसकी जीरो होगी, डीसी जो लेवल्स है उसको ये शिफ्ट कर देगी जीरो वोल्ट पर। और नेक्स्ट जो आउटपुट स्टेज होती है वो ओवरऑल इसका पावर गेन बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। इसका मेन पर्पज ओवरऑल पावर, यानी वोल्टेज और करंट दोनों रेटिंग्स को ही बढ़ा देती है। और इसमें पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर यूज किया जाता है, जो कि इसकी करंट रेटिंग भी बढ़ा देता है, वोल्टेज रेटिंग भी बढ़ा देता है, और साथ ही साथ लो आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट या फिर लो आउटपुट इम्पीडेंस जेड नॉट प्रोवाइड करती है, जो कि ओपम के केस में होता है। आइडियल ओपम का आउटपुट इम्पीडेंस जेड नॉट इक्वल टू या आर नॉट इक्वल टू 0 ओम होता है, बट प्रैक्टिकली फ्यू ओम्स होता है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुशपुल एम्पलीफायर जो है
उसका आउटपुट इम्पीडेंस भी वेरी लो होता है, यानी आउटपुट इम्पीडेंस को भी सेट करता है। सो दीज आर फोर स्टेजेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नाउ ब्लॉक डायग्राम को आप इस सिंबलिक फॉर्म में भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। यहाँ पे इन्वर्टिंग नीचे दिखा दिया है, नॉन इन्वर्टिंग ऊपर दिखा दिया गया। नॉर्मली नॉन इन्वर्टिंग नीचे दिखा रहे थे, इन्वर्टिंग ऊपर दिखा रहे थे, तो ये कोई इश्यू नहीं है। इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग किस पिन पे दिया जा रहा है, ये मेजर इश्यू है। हमेशा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन नंबर 3 पे दिया जाएगा और इन्वर्टिंग इनपुट पिन नंबर 2 पे दिया जाएगा। तो किसी एक को ऊपर लिखना, किसी दूसरे को नीचे लिख देना, या फिर किसी दूसरी बुक में इन्वर्टिंग को नीचे लिख देना, नॉन इन्वर्टिंग को ऊपर लिख देना, जैसे ऊपर वाले केस में भी आप देख रहे हो नॉन इन्वर्टिंग ऊपर है, इन्वर्टिंग नीचे है, इससे पहले वाले किसी सर्किट में उल्टा देखा था, तो ये कोई मेजर इशू नहीं है। ये दिखाने में इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे यहीं पर देख सकते हैं आप, ये जो सिंबल है इसमें नॉन इन्वर्टिंग नीचे दिखा रखा है, इन्वर्टिंग ऊपर दिखा रखा है। तो ये मेजर इश्यू नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमेशा नॉन इन्वर्टिंग नीचे ही दिखाओगे, इन्वर्टिंग ऊपर दिखाओगे। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉन इन्वर्टिंग है वो पिन नंबर 3 पे अप्लाई होगा और इन्वर्टिंग पिन नंबर 2 पे होगा, अदरवाइज इसको ऊपर नीचे लिखने का कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से प्लस VCC हमेशा ऊपर दिखाते हैं, माइनस V नीचे दिखाते हैं, ये भी कोई इस तरीके का कोई इश्यू नहीं होता है। बस ये ध्यान रखें कि पिन नंबर 7 जो VCC है प्लस पिन नंबर 7 पे और VEE है माइनस का, उसको पिन नंबर 4 पे कनेक्ट किया जाता है और पिन नंबर 6 से आउटपुट देते हैं। तो किसी ऑपएम्प सर्किटरी में इस तरीके से ये जो ऑर्डर है इनका, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का, या फिर प्लस VCC माइनस VEE का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। तो ये कोई इश्यू नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखें। साथ में इसकी इसके जो फीचर्स है वो देख लें, द इनपुट स्टेज और आउटपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज, इसके बारे में बताया गया है। और इसको सिंबलिक फॉर्म में ब्लॉक डायग्राम को मैंने ऑथर ने बताया है, इसका भी आप देख लें। अब वर्किंग देखते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग, यानी ओपन लूप के केस में दो इनपुट अप्लाई करते हैं, पिन नंबर 2 पे इन्वर्टिंग, पिन नंबर 3 पे नॉन इन्वर्टिंग। पिन नंबर 3 पे जो नॉन इन्वर्टिंग है उसका नोटेशन V1 दिया है, यानी V1 वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स या DC वोल्टेज सोर्स जो भी है। देखिए दोनों में फ़र्क बता देता हूँ, ये प्लस VCC और माइनस VEE ये DC वोल्टेज सोर्स होते हैं और ये बायसिंग पर्पज़ से काम में लिए जाते हैं। अब इनको इनपुट सोर्स कहते हैं, ये सप्लाई सोर्स होते हैं, DC सोर्स, ये DC सोर्स होते हैं, ये इनपुट सप्लाई वोल्टेज कहते हैं इनको। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान रहे, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट वोल्टेज सोर्स ये कहलाते हैं V1 एंड V2, जो कि AC भी होते हैं, नॉर्मली AC होते हैं और DC भी हो सकते हैं। और प्लस VCC माइनस VEE ये बायसिंग का काम करते हैं, ये सर्किट के DC वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं जो फिक्स होते हैं। तो इस चीज़ में आप कन्फ्यूज ना हो। वर्किंग में दो इनपुट अप्लाई किए हैं, V1 नॉन इन्वर्टिंग पे, V2 इन्वर्टिंग पे, और RI इसका इंटरनल इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस है जो कि बहुत हाई होता है, R0 आउटपुट रेजिस्टेंस है जो कि बहुत लो होता है, और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू गेन बोले तो A × V1 − V2 यानी VID, A × VID इसकी वैल्यू होती है, A × VID जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो आउटपुट इक्वल्स टू A × VID, और इस केस में आप देख सकते हो कि A की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी VID की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर इसको उल्टा करें तो, VID इक्वल्स टू V0 / A, VID इक्वल्स टू V0 / A, और यहाँ पे A बहुत हाई होता है, टेंस टू इन्फिनिटिव, और A अगर टेंस टू इन्फिनिटिव हुआ तो VID इक्वल्स टू लगभग जीरो होगा, और VID इक्वल्स टू जीरो हुआ तो VID की वैल्यू V1 − V2 होती है, यानी V1 − V2 इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स V1 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू V2। तो ये मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर V1 इक्वल्स टू V2 हुआ, और इन एनी केस यदि V1 या V2 एक कोई ग्राउंडेड हुआ तो दूसरा भी इफेक्टिवली या वर्चुअली ग्राउंडेड ही माना जाएगा। तो ये इसके एनालिसिस में, इसके आगे के जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें काम में ये कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये इसके इनपुट को डिफरेंस को अप्लाई एम्पलीफाई कर रहा है, यानी हल्का सा डिफरेंस भी हुआ तो उसको
एम्पलीफाई करके लार्ज वैल्यू आउटपुट पे देता है। और ये एप्लीकेशंस हुई, एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एरिथमेटिक ऑपरेशंस ये करता है, एडिशन एडर की तरह काम करता है, सबट्रैक्टर की तरह काम करता है, इंटीग्रेटर की तरह काम करता है, डिफरेंशिएटर की तरह काम करता है, ऑसिलेटर्स इससे बनाए जाते हैं, ऑसिलेटर सर्किट्स इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं, एम्पलीफायर सर्किट्स इसके थ्रू बनाए जाते हैं, और फिल्टर सर्किट्स भी इसके थ्रू बनाए जाते हैं। तो ये बेसिक जो सर्किट्स है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, वो सारे लगभग इससे बनाए जा सकते हैं। इन सभी सर्किट्स में, सभी एनालॉग सर्किट में मोस्टली ओपेम का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका यूज किया जाता है, पल्स जनरेशन में, स्क्वायर वेव जनरेटर में, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर में, यानी वेवफॉर्म जनरेशन में भी, सिग्नल जनरेटर में भी इसका यूज किया जाता है, वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज रेगुलेटर का काम भी ये करता है। तो आज ओपेम का वाइड यूज है, हर तरीके का बैंड यूज है, बैंड पास, लो पास, हाई पास, सभी तरीके के फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फिल्टर इससे जनरेट या इससे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। सिमिलरली अनदर एप्लीकेशंस, जैसे कोई ब्रिज सर्किट बनाना हो उसमें इसका यूज किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो कि एक इसकी वाइड एप्लीकेशन है, मोटर्स में भी इसका यूज किया जाता है, एसी मोटर, सर्वो मोटर, सिग्नल एम्पलीफायर, एनालॉग मल्टीप्लायर में, स्विचेज में, वोल्टेज कंट्रोलर में, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर में। तो आज कहाँ कहाँ ओपेम का यूज नहीं होता है, यानी ओपेम इज़ वाइडली यूज इन एवरी लीनियर एनालॉग सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो इस तरीके से ओपेम की वर्किंग, ओपेम का ब्लॉक डायग्राम और ओपेम की जो एप्लीकेशंस है, वो आज आपने स्टडी किए। थैंक यू वेरी मच।